हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आकाश फ्रॉम टेक्नो डिफाइन। और गाइस, हमने अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करते करते कभी ना कभी अपने दोस्तों से या फिर किसी ना किसी से सुना होगा कि एंड्रॉयड इमुलेटर या फिर ब्लू स्टैक्स, और हमारे और कभी ना कभी हम सभी ने यूज़ भी किया होगा ये एप्लीकेशन। पर गाइस, जैसा कि ये हम सभी जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो बहुत लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या ये सेफ़ है या नहीं, क्या ये मेरे कंप्यूटर को स्लो करता है या फिर कुछ भी इससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो गाइज़, आज इस वीडियो को तुम लोग देखते रहो और होपफुली मैं तुम लोगों के हर एक सवाल का आंसर दे दूँगा। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहले हमें ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि एंड्रॉयड इमुलेटर या फिर ब्लू स्टैक्स जो भी है, इसका काम क्या है और ये करता क्या है। तो गाइस, एंड्रॉयड इमुलेटर या फिर ब्लू स्टैक्स जो भी कह लो, और ये तुम्हारे कंप्यूटर में एंड्रॉयड जो ओएस होता है उसको इमुलेट करता है। मतलब जो जो काम तुम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते थे, अब वही काम तुम लोग अपने पीसी में कर सकते हो। अभी गाइस, जनरली इसके यूज़ के सिनेरियो कौन से होते हैं, तो गाइस, तो बहुत लोग गेम खेलना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, पर उनके कंप्यूटर उतने हाई एंड नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग एंड्रॉयड इमुलेटर्स को डाउनलोड करके जो एंड्रॉयड गेम है उनको अपने पीसी में खेलते हैं। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो गेम खरीदना नहीं चाहते, या फिर कुछ लोगों के को कुछ एंड्रॉयड गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग अपने उस गेम को गेम का मज़ा पीसी में लेना चाहते हैं, तो जनरली वो लोग ब्लू स्टैक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इस सवाल पे, क्या ये सेफ़ है। तो गाइस, जनरली ब्लू स्टैक्स या फिर जितने भी इमुलेटर्स हैं, मैं कुछ कुछ नाम ले रहा हूँ, अगर तुम इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करोगे तो जनरली ये एप्लीकेशंस नॉन वायरसेस होते हैं। मतलब इनमें कोई वायरस या फिर कुछ सिक्योरिटी इशू, इन सब के प्रॉब्लम्स नहीं होते। ब्लू स्टैक्स है एक, और मीमू, और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर ज़रूर से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उन ऐप्स के डाउनलोड वाले लिंक भी दे दूंगा, तो अगर तुम चाहते हो तो वहाँ से सारे ऐप्स डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आते हैं कि ये हम लोग के कंप्यूटर को स्लो करता है या नहीं। अब देख, अभी जितने भी एंड्रॉयड इमुलेटर्स हैं उन सभी के अगर तुम उनके जो डाउनलोड पेज हैं वहाँ पर जाओगे तो मिनिमम और रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन दिया जाएगा। तो जनरली मिनिमम स्पेसिफिकेशन होता है 2 कोर वाले CPUs और 4 GB रैम, और रिकमेंडेड अप टू 4 GB यानी कि 6 GB ऑफ रैम और कोर i3 या फिर उसका इक्विवेलेंट AMD प्रोसेसर। ठीक है, मैं रिकमेंडेड स्पेसिफिकेशन पे जाता हूँ, तुम्हारे पास i3 है और 4 GB का रैम है, अभी तो क्या तुम उसको अपने कंप्यूटर पे इजीली चला पाओगे या फिर तुम्हारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो गाइस देखो, ब्लू स्टैक्स या फिर जितने भी एंड्रॉयड इमुलेटर्स हैं वो बहुत सारे रिसोर्स लेते हैं, बहुत सारे जो रिसोर्स होते हैं उनको लेते हैं, और जो मेमोरी है उस पर वो रिसोर्स हमेशा रन होते रहते हैं, क्योंकि उसको एंड्रॉयड OS को भी हमेशा चलाना पड़ता है। तो धीरे 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 वो रिसोर्स बिल्डअप होके टेम्प फाइल और जो कैशे फाइल होके वो जमा हो जाते हैं, और जब तुम्हारे कंप्यूटर में टेम्प फाइल और कैशे फाइल ज़्यादा हो जाएंगे तो जनरल सी बात है तब तुम्हारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। और साथ ही साथ ये ब्लू स्टैक्स या फिर जितने भी एंड्रॉयड एमुलेटर है वो सभी जो है स्टार्टअप एप्लीकेशन है। अब ये स्टार्टअप एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये स्टार्टअप एप्लीकेशन होता है कि जब तुम अपने विंडोज़ को लॉन्च करोगे या फिर तुम जब अपने विंडोज़ डेस्कटॉप में आओगे तो तब तुम्हें वहाँ पर जितने भी ऐप्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे या फिर जो ऐप्स हमेशा बैकग्राउंड पे रन करेंगे उनको स्टार्टअप एप्लीकेशन कहते हैं। अभी तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि अभी देखो यार, जो क्रोम है वो भी ज़्यादातर स्टार्टअप हो जाता है, कभी कभी यूटोरेंट, एंटीवायरसेस, विंडोज़ ओपन ऑन ड्राइव, ये सभी स्टार्टअप एप्लीकेशन है, और जनरली 90% कंप्यूटर्स में ये सभी जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होते ही है। और अब जब इतने सारे बैकग्राउंड पे रन हो रहे हैं और साथ ही साथ ब्लू स्टैक्स भी बैकग्राउंड पे रन हो रहे हैं, तुम लोगों ने अपना टेम्प फाइल, कैशे फाइल ये सभी नहीं उनको क्लीन किया, तो तब जाके तुम लोगों का कंप्यूटर स्लो हो जाता है। पर ये जो स्लो होता है जो कंप्यूटर, क्या वो हमेशा के लिए होता है, नहीं हमेशा के लिए नहीं होता है। अगर तुम अपने टास्क मैनेजर पे जाके स्टार्टअप एप्लीकेशन को डिसेबल कर दोगे, शायद तुम्हें दिख रहा होगा ये कैसे करते हैं स्टार्टअप एप्लीकेशन को डिसेबल, तो इस तरह से अगर तुम लोग स्टार्टअप एप्लीकेशन को डिसेबल कर दोगे तो जनरली वो स्टार्टअप नहीं होंगे लॉन्च करते करते, तो तुम्हारा रैम ज़्यादा होगा और ज़्यादा रैम होगा तो उसमें ज़्यादा रिसोर्स ले पाएगा, तो
इस तरह से तुम अपने कंप्यूटर को स्लो होने से बचाते हो। अब आते हैं क्या ब्लू स्टैक्स हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ गाइस, जनरल सी बात है, अगर तुम्हें ज़रूरत है अपने विंडोज़ कंप्यूटर में एंड्रॉयड ओएस को चलाना तो ब्लू स्टैक्स को इंस्टॉल करो, बिंदास चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा एंड्रॉयड इमुलेटर या फिर ब्लू स्टैक में पड़े मत रहो, अपने ओएस को इस्तेमाल करो और बाकी जितने भी काम हैं उनको भी करो। और जनरल सी बात है, तुम्हारे पास एंड्रॉयड फ़ोन तो ज़रूर होगा तो उसको भी इस्तेमाल करो। ब्लू स्टैक्स को जितना हो सके ज़रूरत में इस्तेमाल करो, वरना उसको अवॉइड करो, तो इससे तुम्हारा कंप्यूटर एकदम पहले की तरह रहेगा और इससे तुम्हें जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो गाइज़ होपफुली मैं तुम लोगों के सवाल दे पाया हूँ। एक बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था और मैंने ब्लू स्टैक्स का वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है जो कि ब्लू स्टैक्स से ही रिलेटेड है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो। तो गाइज़ अगर ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक दे दो, अगर नहीं तो डिसलाइक बिंदास दे दो। और अगर कोई दूसरा सवाल है तो ज़रूर से मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एंड व्हेन यू डाउन देयर हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज आकाश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेक्नो डिफाइन।